हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको लगातार क्लासेस मिल रही हैं, सभी क्लासेस अपने टाइम पर चल रही हैं। और ये जो क्लास है आपकी टाइम एंड डिस्टेंस की, सुबह 9 बजे वाली क्लास, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल क्लास चल रही है। आज हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक है, उसका है आज फोर्थ पार्ट। ठीक है, 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और स्टूडेंट एक बात और बता दूं कि जितनी भी पेड क्लासेस हैं, सब पेड क्लासेस को हम फ्री पर ले आए हैं। कोई पेड क्लासेस अब हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको नहीं दी जा रही, सब कुछ फ्री दिया जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ, ट्रस्ट कीजिए और बिल्कुल आपकी नैया हम पार लगाएंगे। चाहे एनटीपीसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ग्रुप डी एग्जाम है, एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम यहां पर क्लासेस कुछ चला रहे हैं, कुछ आने वाले डेज में आपको देखने को मिल जाएगी। जिन बच्चों को टेस्ट सीरीज लेनी है, टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, चाहे आप एनटीपीसी लेते हैं या लेते हैं आप ग्रुप डी, ठीक है, टेस्ट सीरीज का पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट आप मेरे व्हाट्सएप 8218147309 पर भेज दीजिए। आपको वहां पर टेस्ट सीरीज का मैं कूपन कोड प्रोवाइड करा दूंगा, जहां पर आपको 40 सेट मिलते हैं एनटीपीसी के 149 में और 42 सेट मिलते हैं आपको ग्रुप डी के। ठीक है, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरुआत करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन लगा दिया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए एंड बी आर 20 किलोमीटर अपार्ट, ए कैन वॉक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड बी एट 6 किलोमीटर पर आवर इफ दे स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट 7 AM विद इन दे विल मीट। ए और बी दो स्थान एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, 20 किलोमीटर की दूरी पर है ए और बी। ठीक है, 20 किलोमीटर की दूरी पर है दो व्यक्ति, क्रम से ए तथा बी स्थान से एक दूसरे की ओर प्रातः 7 बजे चलना शुरू करते हैं। मतलब ए बी की तरफ चलेगा और बी ए की तरफ चलेगा सुबह 7 बजे, है ना, और उनकी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ए की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, बी की 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, जब दो चीजें एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, चाहे व्यक्ति है, रेलगाड़ी है, कार है, ट्रक है, बस है, कोई भी चीज है, तो क्या होती है उस वक्त उनकी स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। क्या होती है, स्पीड जुड़ जाती है, क्योंकि एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो इसकी गति और इसकी गति दोनों की गति क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी। तो 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। दूरी कितनी है 20, टाइम नीचे, तो 10 × 20 टी बराबर कितना हो गया, टी बराबर 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे में वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, 2 घंटे में मिल जाएंगे। यहां पर जो सवाल में पूछा गया कितने बजे मिलेंगे, अब 7 बजे अगर उन्होंने चलना शुरू किया है और 7 में हम जोड़ देंगे कितना, 2, 7 और 2 9, तो 9 बजे यानी कि 9 AM पर। ठीक है, 9 AM यहां पर मैं मोबाइल में जो देखता हूं आंसर नहीं देखता, ऑप्शन देखता हूं कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन यहां पर सही है। कुछ बच्चों को लगता है कि मोबाइल में आंसर है, मोबाइल में आंसर नहीं है, मोबाइल में सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वही सेम क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, वही स्लाइड यहां लगाई गई, वही स्लाइड मोबाइल में है। ठीक, तो 7 + 2 यानी कि 9 AM यहां पर सही आंसर रहेगा, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान देंगे सभी बच्चे, क्या है सेकंड क्वेश्चन। मोटरसाइकिलिस्ट पी स्टार्टेड हिज जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 30 मिनट्स। मोटरसाइकिलिस्ट क्यू स्टार्टेड फ्रॉम द सेम प्लेस बट विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल क्यू टेक टू ओवरटेक पी। एक मोटरसाइकिल वाला पी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना चालू करता है तथा 30 मिनट बाद क्यू 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसका पीछा करता है, वह कितनी देर बाद पी को पकड़ लेगा। ठीक है, P है और Q है। ठीक है, तो P 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना चालू करता है, 30 मिनट बाद Q उसके पीछे जा रहा है, तो P मान लीजिए इधर जा रहा है। ठीक है, तो P ने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में, Q जो जाएगा उसके पीछे 30 मिनट बाद जाएगा, यानी कि आधे घंटे में जाएगा। P की स्पीड यहां पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना, 1 घंटे में 30 किलोमीटर, तो जब तक Q चलेगा यानी कि 30 मिनट बाद यानी कि आधे घंटे बाद,
तब तक P कितना दूर जा चुका होगा स्टूडेंट, 15 किलोमीटर उसने दूरी कवर कर ली होगी, आधे घंटे में कितना चल जाएगा P 15 किलोमीटर, है ना, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है Q उसके पीछे, तो जब P इस डायरेक्शन में जा रहा है Q भी उसी के सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों की सापेक्ष चाल क्या होगी इस कंडीशन में, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है आपस में माइनस हो जाती है, विपरीत डायरेक्शन में क्या होती है प्लस हो जाती है स्पीड, जब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, ठीक है, समझिए इस कॉन्सेप्ट को, फालतू की बात बनाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, समझिए, तो क्या होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितनी होगी एक की 40 है, जो पीछे से जा रहा है उसकी स्पीड ज्यादा है जब तो वो पकड़ेगा आगे वाले को, और जो आगे जा रहा है वो 30, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी 15 बटे टी, तो ये हो गया 10, 15 बटे टी, 5 दुनी 10 और 5 थी 15, तो टी बराबर कितना गया, टी बराबर हो गया 3/2 घंटे, है ना, यानी कि कितना हो गया 1.5 घंटे, यानी कि क्यू जो है पी को 1.5 घंटे में पकड़ लेगा, क्या पूछेगा, क्या पूछ रहा है कि वह कितनी देर बाद पी को पकड़ लेगा, 3/2 घंटे में पकड़ लेगा, लीजिए आंसर यही आ गया, ऑप्शन नंबर आपका रहेगा बी ऑप्शन, क्या आंसर रहेगा बी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा, समझ में आ रही है ना बातें, तो जब विपरीत डायरेक्शन में चल रही हैं दो चीजें जुड़ जाती है, चाल एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो चाल क्या होती है आपस में घट जाती है, दूरी हमेशा दोनों ही डायरेक्शन में क्या होगी जुड़ेगी, अगर लंबाई रेलगाड़ी वाले केस में रेलगाड़ी की लंबाई की बात की जा रही है, ठीक है, चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, इट इज स्टील्स ए कार एट 1:30 पीएम एंड ड्राइव इट ऑफ एट 40 किलोमीटर पर आवर, द थीफ इट्स डिस्कवर्ड एट 2 पीएम एंड द ओनर सेट्स ऑफ इन अनदर कार एट 50 किलोमीटर पर आवर, ही विल ओवरटेक द थीफ एट, एक चोर 1:30 बजे पर चोरी करता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागना चालू करता है, मालिक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 बजे उसका पीछा करता है, वह उसे किस समय तक पकड़ लेगा, ठीक है, समझ रहे हैं, तो अब चोर भाग रहा है, किधर भी भगा लीजिए चोर को, इधर भगा लेते हैं, ठीक है, तो चोर इधर भाग रहा है उसके पीछे मालिक भागेगा, ठीक है, ओनर भागेगा, चोर जाता है 1:30 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चोर भाग रहा है, ठीक है, कितने बजे 1:30 बजे, है ना, उसके बाद 2 बजे जाएगा मालिक, यानी कि उसके आधे घंटे बाद, जैसे अभी हमने किया ना पी और क्यू वाला क्वेश्चन, उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है, पी एम 2 बजे, ठीक है, और यहां स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, समझ रहे ना, तो आधे घंटे में चोर कितना दूर चला जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, कितना चला जाएगा स्टूडेंट, चला जाएगा वो 20 किलोमीटर, तो दूरी कितनी हो गई 20 किलोमीटर, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, क्या होगा स्पीड यहां पर घट जाएगी, 50 - 40 हो जाएगी, यानी कि 10/20/t, 10 × 20, तो टी कितना आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा 2 घंटे, यानी कि मालिक जो है उस चोर को कितनी देर में पकड़ लेगा, वो 2 घंटे में पकड़ लेगा, 2 घंटे का मतलब हो गया 2 बजे उसने चलना शुरू किया था, तो 2 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 PM आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 PM, 4 PM इसका सही आंसर रहेगा, जो कि हमें दे रखा है बी ऑप्शन में, समझ में आ रही है ना बातें, कोई भी क्वेश्चन दिक्कत करता है बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप 4 PM 4 PM इसका सही आंसर लगाकर चलेंगे, तो 3 क्वेश्चन हमारे यहां पर कंप्लीट होते हैं, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है क्वेश्चन, ए जीप इज चेजिंग ए कार विच इज 5 किलोमीटर अहेड, देयर रेस्पेक्टिव स्पीड आर 90 किलोमीटर पर आवर एंड 70 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल द जीप कैच द कार, एक जीप स्वयं से 5 किलोमीटर आगे जा रही एक कार का पीछा कर रही है, उसकी गति अनुक्रम से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितने मिनट बाद जीप कार को पकड़ लेगी, ठीक है, तो एक जीप स्वयं से 5 किलोमीटर आगे चल रही है, 5 किलोमीटर
ठीक है, जीप है, कार है, इधर चल रहे हैं, ये भी इधर जाएगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है यहां पर कार की, ये कार है, इधर आगे कार है, जीप पीछे चल रही है, ठीक है। तो जीप की स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और कार की है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की कम होगी जब भी तो कार को पकड़ेगी जीप, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे भी हम कर रहे हैं लगातार सेम कॉन्सेप्ट है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या होगी, 90 - 75 कितनी होगी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर पर आवर रहेगी स्पीड। 5 किलोमीटर है दूरी बीच में, तो 5 किलोमीटर बटे टी, 5 * 15, तो टी बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1/3 आवर, ठीक है, 1/3 घंटे आंसर आ जाएगा। 1/3 घंटे का मतलब समझ रहे हैं, 1/3 घंटे का मतलब हो गया 3 से डिवाइड कर दो 60 को, तो कितना आ जाएगा, 20 मिनट्स आ जाएगा, ठीक है, टी बराबर हो गया 20 मिनट्स, 20 मिनट यहां पर सही आंसर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समझ में आ रही है ना बात। चलिए चलते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पर, ए मैन राइड्स एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर बट स्टॉप फॉर 6 मिनट टू चेंज हॉर्स एट द एंड ऑफ एवरी 7 किलोमीटर द टाइम दैट ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इज। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घोड़े की सवारी करता है परंतु प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है, बताइए कि 90 किलोमीटर की दूरी को तय करने में वह कितना समय लेगा। ठीक है, क्या करना है यहां पर, प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है, ठीक है, तो 90 किलोमीटर में हर 7 किलोमीटर पर वो घोड़ा बदलेगा, तो कितनी बार बदला जाएगा, ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार, ठीक है, क्योंकि 13 * 91 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो 12 * 84 7 बार 7 किलोमीटर पर, ठीक है, 7 किलोमीटर पर हर बार घोड़ा बदलेगा, हर 7 किलोमीटर पर, तो कुल मिलाकर 12 बार तो वो घोड़ा बदलेगा। अब 12 बार घोड़ा बदलेगा और 6 मिनट के लिए रुकता है, तो 12 * 6 = 72, तो 72 मिनट तो ये हो गया, 72 मिनट तो समय उसका ये लग जाएगा, ठीक है, 6 मिनट रुकता है, बताइए 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में वो कितना समय लेगा। ठीक है, अब 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, तो 90 किलोमीटर जाने में उसे 18 के हिसाब से कितने घंटे लगने हैं, 18 * 5 = 90, ठीक है, 5 घंटे उसके ये लगे, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटे उसके ये लग जाते हैं, और 72 मिनट जो उसने विश्राम करने में लगाया है, समय रुकने में जो समय लगाया है वो हो जाता है 72 मिनट का, मतलब समझ रहे हैं आप, 1 घंटे 12 मिनट उसका समय लग गया ये वाला, ठीक है, तो 5 घंटे और 1 घंटे 12 मिनट कुल मिला के 6 घंटे 12 मिनट, ये सही आंसर आपको यहां पर मिल जाएगा, 6 hours 12 minutes यहां पर आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, कि 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, हर 7 किलोमीटर पर वो घोड़ा बदलता है, तो 90 किलोमीटर में 7 किलोमीटर पर अगर घोड़ा बदलेगा तो कितनी बार घोड़ा बदलेगा, 12 बार, 6 मिनट का वहां पर रेस्ट करेगा, तो 12 * 6 = 72 उसने टोटल रेस्ट किया, यानी कि 1 घंटे 12 मिनट तो उसने रेस्ट करने में लगाया, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे जा रहा है, 90 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा, 18 * 5 = 90, 5 घंटे ये लगेंगे, तो 5 घंटे ये हो गया, 1 घंटे 12 मिनट ये हो गया, तो कुल मिलाकर कितना समय हो गया, 6 घंटे 12 मिनट, 6 hours 12 minutes यहां पर सही आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है, तो स्टूडेंट ये थे हमारे टाइम एंड डिस्टेंस के फोर्थ पार्ट के 5 सबसे बेहतर सवाल, और जितने भी क्वेश्चंस मैं यहां पर करा रहा हूं डेफिनेटली इस बात को लिख कर रख लीजिए, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और आने वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे, तो बिल्कुल कर लीजिए इनको अच्छे से तैयार, अपने बुक से जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं, जहां से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल करते रहिए। ठीक है,
और जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे इस गुरुकुल हब परिवार के साथ। आपका अपना चैनल गुरुकुल हब, इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन ऑल ऑप्शन के साथ, ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और शेयर जरूर से कर देना, ताकि और भी बच्चों तक ये बेहतर क्लासेस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।